बच्चों लोग, आज से क्लास में कवर करने वाले हैं साइक्लो अल्किन के बारे में। ठीक है, साइक्लो अल्किन्स का स्ट्रक्चर कैसे ड्रॉ करेंगे हम लोग, इसका स्ट्रक्चर कैसे ड्रॉ करते हैं और गिवन फॉर्मूला के लिए इसका आइसोमर कैसे फाइंड करेंगे हम लोग, इसका स्ट्रक्चर एंड आइसोमर्स कैसे ड्रॉ करते हैं। आइसोमर फॉर गिवन मॉलिकुलर फॉर्मूला, गिवन मॉलिकुलर फॉर्मूला है ना, जो साइक्लोहेक्सेन का जनरल फॉर्मूला जो होता है, ये होता है CnH2n होता है, CnH2n होता है, और आपका जो n होता है, यहाँ पे n स्टार्ट होता है 3 से, n पारा n होगा 3। ठीक है, यानी फर्स्ट मेंबर में, साइक्लो अल्किन के फर्स्ट मेंबर में आपका तीन कार्बन होगा, तीन कार्बन होगा, दो कार्बन का साइक्लो अल्किन पॉसिबल नहीं है, तीन कार्बन से छोटा साइक्लो अल्किन पॉसिबल नहीं है। ठीक है, ये ध्यान देना आप लोग, पहले आपको याद होना चाहिए कि जो ये जो मैं फॉर्मूला बता रहा हूँ, ये फॉर्मूला और भी किसे मैच करता है, ये फॉर्मूला याद रखना कि आपको जो अल्किन होता है ना, अल्किन अल्किन का जो फॉर्मूला होता है वो भी क्या होता है, वो भी होता है CnH2n। तो आपको ये बात समझ में आना चाहिए कि सेम जनरल फॉर्मूला से आपका अल्किन भी होगा और सेम से क्या होगा, सेम फॉर्मूले से आपका साइक्लो अल्किन भी होगा। तो साइक्लो अल्किन अल्किन का फॉर्मूला क्या होता है, जनरल फॉर्मूला क्या होता है, सेम होता है। ठीक है, बस यही होता है कि साइक्लो अल्किन बनने के लिए आपका जो मिनिमम नंबर ऑफ कार्बन का जो रिक्वायरमेंट है वो है 3, और अल्किन के लिए बोला गया है कि अल्किन के लिए बोला है कि मिनिमम जो नंबर ऑफ कार्बन होता है वो होता है 2 होता है। ठीक है, बस ये धारणा। तो अभी मेरा फोकस रहेगा साइक्लो अल्किन्स, अभी मेरा फोकस रहेगा साइक्लो अल्किन्स। ठीक है, धारणा, जो पहला मेंबर होता है साइक्लो अल्किन्स का। ठीक है, तो पहला मेंबर में कितना तीन कार्बन होगा, तो हाइड्रोजन कितना होगा, हाइड्रोजन होगा 6। तो यहाँ पे कुछ मॉलिक्यूलर फॉर्मूला लिख रहे हैं हम, अनब्रांच साइक्लो अल्किन का, उसका नाम भी लिखा जा रहा है, उसका नाम भी लिखा जा रहा है। ठीक है, तो ध्यान ना, साइक्लो अल्किन जैसे नाम सजेस्ट कर रहा है, तो साइक्लो अल्किन में होता है क्या है कि कार्बन कार्बन होता है सिंगल बॉन्ड, तो साइक्लो अल्किन में भी क्या होगा, कार्बन कार्बन होगा सिंगल बॉन्ड। ठीक है, कार्बन कार्बन के बीच में हमेशा बनेगा सिंगल बॉन्ड। ठीक, और इसमें इसमें क्लोज रिंग फॉर्म करता है, क्लोज रिंग फॉर्मेशन टेक प्लेस, क्लोजिंग फॉर्मेशन टेक प्लेस। ठीक, अब ध्यान है जो का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है साइक्लो अल्किन्स का, तो C3H6 में जो नाम होता है साइक्लोप्रोपेन, साइक्लोप्रोपेन। इसका फिगर ड्रॉ करें तो ऐसा ड्रॉ कर देंगे हम लोग, फिगर में तीन कार्बन है, तीन कार्बन का क्या होगा, क्लोजिंग बनेगा, और जहां जहां आपका कार्बन का वैलेंसी खाली है वहां पर हाइड्रोजन लगा सकते हैं, वहां पर हाइड्रोजन लगा सकते हैं। ये हो गया साइक्लोप्रोपेन का स्ट्रक्चर। अगर चार कार्बन का हम ड्रॉ करेंगे तो यहाँ चार कार्बन का सिंपल फिगर जो होता है, ये बिना ब्रांचिंग का जो फिगर होता है, जो अनब्रांच फिगर होता है, उसका नाम होता है साइक्लोब्यूटेन। ठीक है, इसका स्ट्रक्चर कैसे ड्रॉ करोगे, इसमें चार कार्बन का रिंग होगा, चार कार्बन आपस में कनेक्ट करके एक रिंग को फॉर्म करेगा, और बचा हुआ जो वैलेंसी है, बचा हुआ वैलेंसी में क्या होगा, हाइड्रोजन अटैच होगा, बचे हुए वैलेंसी में क्या होगा, हाइड्रोजन अटैच होगा। ठीक है, सिमिलरली C5H10 में अनब्रांच, जिसमें ब्रांचिंग नहीं होगा, तो अनब्रांच साइक्लो अल्किन का नाम होता है साइक्लोपेंटेन। इसमें क्या होगा, पांच कार्बन का रिंग बनेगा, इसमें पांच कार्बन का रिंग बनेगा, और बाकी जगह क्या करना, हाइड्रोजन अटैच कर देना, हाइड्रोजन अटैच कर देना। ठीक है, सिमिलरली C6H12 में का नाम क्या होता है, नाम होता है साइक्लोहेक्सेन, क्या होता है, साइक्लोहेक्सेन। ठीक है, साइक्लो यहाँ पर हर जगह साइक्लो प्रीफिक्स ऐड हो रहा है, साइक्लो प्रीफिक्स ऐड हो रहा है, साइक्लो इन फॉर्म ऑफ प्रीफिक्स ऐड हो रहा है आपके सिस्टम में। ठीक है, इसमें छह कार्बन का रिंग को हम ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है, तो छह कार्बन का रिंग बन जाएगा।
ये तो हो गया। जब अगर सिंपल सिंपल साइकिल केंस होगा जिसमें ब्रांचिंग नहीं होगा उसको हम लोग ड्रॉ कर लिए, ठीक है। अब होता क्या है कि हमको कभी कभी अगर कोई फॉर्मूला दे देगा और हमसे बोले इसमें कितना पॉसिबल आइसोमर्स होगा साइक्लोल केंस का, तो उसको फाइंड करना होगा। हम चलते हैं नंबर ऑफ पॉसिबल, नंबर ऑफ पॉसिबल स्ट्रक्चर्स ऑफ साइक्लोल्केन्स फॉर गिवन मॉलिकुलर फॉर्मूला, फॉर गिवन मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, ठीक है। नंबर पॉसिबल स्ट्रक्चर ऑफ साइक्लोल्केन फॉर गिवन मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, ठीक। तो पहला फॉर्मूला जो होता है जी, जो होता है C3H6। तो C3H6 में अगर हम फिगर ड्रॉ करने की कोशिश करेंगे, तीन कार्बन है तो तीन कार्बन का रिंग ड्रॉ कर ले, और कोई पॉसिबिलिटी नहीं होगा, यही एक पॉसिबिलिटी होगा। इस फिगर में हाइड्रोजन मैं नहीं दिखा रहा हूँ, मैं जूम कर रहा हूँ, हाइड्रोजन दिखा सकते हो। जितना भी वैलेंसी खाली होगा कार्बन का उतना आप हाइड्रोजन को से लिंक कर देना, बस सिंपल सा बात है। जैसे यहाँ पे देखोगे तो हर जगह पे आप दो तो एच को छोड़ देना, ठीक है। तो मैं फिगर में हाइड्रोजन मैं नहीं दिखाता हूँ, आप उसको दिखा लेना, ठीक है। तो C3H6 में एक ही पॉसिबिलिटी है। बात करते हैं C4H8 में कितना पॉसिबिलिटी होगा। नंबर ऑफ पॉसिबल साइक्लो अल्केन्स कितना होगा। तो साइक्लो अल्केन में ध्यान देना, कार्बन कार्बन में क्या होगा, सिंगल बॉन्ड होगा, और आपको रिंग ड्रॉ करना है। इसमें है कि अगर चार कार्बन का रिंग होगा, इसमें चार कार्बन का रिंग में क्या होगा, एक ही पॉसिबिलिटी होगा। तो एक पॉसिबिलिटी चार कार्बन रिंग में, अगर हम तीन कार्बन का रिंग ड्रॉ करते हैं तो तीन कार्बन का रिंग में और एक कार्बन ब्रांच के फॉर्म में बाहर जाएगा, ठीक है। तो ये दो ही पॉसिबिलिटी जो मुझे दिख रहा है। तो C4H6 का साइक्लो एल्केन में कितना पॉसिबिलिटी होगा, तो नंबर पॉसिबल साइक्लो एल्केन्स हो जाएगा दो, हो जाएगा क्या, हो जाएगा दो हो जाएगा, ठीक है। ये ध्यान देना आप लोग। सिमिलरली C5H10, C5H10 ठीक है, इसमें कितना पॉसिबल साइक्लिक ऑक्टेन्स होगा। तो आपको ड्रॉ करना है नंबर ऑफ पॉसिबल साइक्लो अल्केन्स चलो फटाफट C5H10 में कितना साइक्लिक ऑक्टेन पॉसिबल होगा मुझे बताएंगे फास्ट। चलो C5H10 का हम लोग फिगर ट्राई कर रहे थे, तो चलो ध्यान सुनना इसमें कितना साइक्लो इतना पॉसिबल है। तो पहले हम मूव करते हैं पांच कार्बन के रिंग में, पांच कार्बन का एक पॉसिबिलिटी होगा, पांच कार्बन का साइक्लो क्या एक पॉसिबिलिटी होगा आपके पास। अगर हम बात करते हैं चार कार्बन का, तो चार कार्बन ध्यान देना, चार कार्बन का रिंग होगा और इसमें एक ब्रांच होगा, एक ब्रांच होगा, ठीक है। ये ब्रांच कहीं भी हो, कोई कहीं भी हो सेम ही रहेगा। इसको आप यहाँ दिखा दो और कोई चाहता तो उसको नीचे दिखा देंगे, तो कोई नया फिगर नहीं बनेगा, सारा फिगर सेम ही होगा। ये दोनों फिगर क्या रहेगा, सेम ही रहेगा, ठीक है। तो दिस और दिस सब सेम रहेगा। सिमिलरली अगर तीन कार्बन का हम रिंग, अगर हम रिंग बनाते हैं तो दो ब्रांच होगा, तो दो दो कार्बन छूट गया, तो दो कार्बन या तो हम एक जगह लिंक कर दे, ऐसा हो सकता है, ठीक है। या फिर हो सकता है कि दो कार्बन को हम अलग अलग हम लिखें, तो ऐसा भी हो सकता है, ठीक है। या फिर हम ऐसा भी सोच सकते हैं कि दो कार्बन को सेमी पॉइंट पर अलग अलग तरीके से जोड़ दें, ऐसा हो सकता है, ठीक है।
आप लिखोगे तो यहाँ पे एक पॉसिबिलिटी है पांच कारण में, चार कारण में एक पॉसिबिलिटी है, और तीन कारण में तीन पॉसिबिलिटी है। तो टोटल पॉसिबल कितना ऐसे मन होगा, चलो टोटल पॉसिबल ऐसे मन होगा, इसमें टोटल पॉसिबल साइक्लिक ऑफ टेंस होगा उस नंबर फाइव हो जाएगा। क्या हो जाएगा? फाइव हो जाएगा। तो टोटल पाइस पॉसिबल जो फिगर बनेगा फाइव बनेगा। ठीक है चलो सिक्स सी फाइव एस टेन का फिगर हम लोग समझ गए कितना साइक्लिक बन सकता है। तो नेक्स्ट मूव करते हैं हम लोग सी सिक्स एस ट्वेल्व में नंबर ऑफ पॉसिबल साइक्लिक साइक्लिक आपको फाइंड करना है। सी सिक्स एस ट्वेल्व में नंबर ऑफ पॉसिबल साइक्लोअल्केन्स फटाफट चलो सो फाइंड करेंगे। बच्चों लोग इसका फिगर हम बनाएंगे तो इसका देखो पॉसिबिलिटी कितना बनने वाला है। तो सबसे पहले चलते हैं, तो छह मेंबर का अगर हम रिंग बनाएंगे तो उसमें एक ही पॉसिबिलिटी होगा। ठीक है, तो हम बात करते हैं पांच मेंबर रिंग का। तो पांच मेंबर रिंग में भी एक ही पॉसिबिलिटी होगा, पांच रिंग होगा उसमें एक ब्रांच होगा। एक ब्रांच हम कहीं भी कर सकते हैं, तो मान लेते हैं यहाँ कर लेते हैं, तो तुम कहीं भी करोगे तो उसका पॉसिबिलिटी सेम ही रहेगा, कुछ नया नहीं बनने वाला है। तो छह कार्बन के रिंग में एक पॉसिबिलिटी, पांच में एक पॉसिबिलिटी, चलते हैं हम लोग चार मेंबर के रिंग में। तो चार मेंबर के रिंग में अगर मूव करते हैं तो ध्यान देना, तो उसमें एक पॉसिबिलिटी ऐसा हो सकता है, तो दो कार्बन मेरे चेन का पार्ट नहीं है, तो दो कार्बन के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, या तो एक ही पोजीशन में दो कार्बन लगाते हैं, एक पॉसिबिलिटी ऐसा हो सकता है, एक पॉसिबिलिटी ऐसा हो सकता है क्या कि दोनों जो जो कार्बन है उसको हम एक ही जगह पर लगा दें, ऐसा पॉसिबिलिटी हो सकता है, एक पॉसिबिलिटी ऐसा हो सकता है कि दोनों जो कार्बन है जो छोटा है उसको हम एडजेसेंट पोजीशन में लगाते हैं, एक पॉसिबिलिटी ऐसा होगा। एक पॉसिबिलिटी और ऐसा हो सकता है कि जब इसको हम एडजेसेंट पोजीशन यहाँ यहाँ लगाते हैं। ठीक है, तो आपको दिख रहा होगा कि चार कार्बन के रिंग में कितना पॉसिबिलिटी अपने पास बन चुका है, तो बन चुका है कितना, चार पॉसिबिलिटी बन चुका है। नेक्स्ट मौका था तीन कार्बन के रिंग में कितना पॉसिबिलिटी होगा, तो तीन कार्बन के रिंग में पहला था कि तीन कार्बन रिंग है तो उसमें तीन कार्बन का एक सिंगल चेन अटैच करते हैं हम लोग किसी भी कार्बन पे। मान लेते हैं कि हम यहाँ अटैच करते हैं तीन कार्बन का चेन को, तो इसमें एक पॉसिबिलिटी ऐसा हो सकता है, एक ऐसा हो सकता है तीन कार्बन के चेन में एक ही पोजिशन पे दो कार्बन का ब्रांच और एक कार्बन का ब्रांच को मैड करते हैं। ठीक, इसी पॉसिबिलिटी में मैं एक ही पोजीशन में दो कार्बन का ब्रांच हो, ठीक है, उसके बगल में एक कार्बन का ब्रांच हो, ऐसा हो सकता है। ठीक, इसके अलावा क्या हो सकता है, चलो तीन कार्बन के चेन में ऐसा हो सकता है कि एक ही पोजीशन पे एक कार्बन का दो ब्रांच अलग अलग ब्रांच लेते हैं और एक कार्बन का ब्रांच को यहाँ दिखा देते हैं पास में। ठीक है, इसमें एक और पॉसिबिलिटी हो सकता है कि एक कार्बन के चेन में मतलब तीन कार्बन के रिंग में हर कार्बन पे एक एक कार्बन का हम ब्रांच हो सकते हैं, यहाँ भी एक, यहाँ भी एक और यहाँ भी एक। ठीक, इसमें एक और पॉसिबिलिटी हो सकता है चलो कि तीन कार्बन का चेन होगा उसमें जो आपके ऊपर तो तीन कार्बन है उसको हम स्ट्रेट चेन में ना जोड़ के उसको ऐसा जोड़ सकते हैं लोग, यहाँ पे एक कार्बन इधर करते कर, एक कार्बन इधर करते, तो ये जो पॉसिबिलिटी है ये पॉसिबिलिटी इस पॉसिबिलिटी से अलग है, क्योंकि यहाँ पे तीनों कार्बन एक लाइन में है, नीचे जो ब्रांच में डाले हैं तीन कार्बन वो एक सिंगल लाइन में है, यहाँ पे सिंगल लाइन में नहीं है, जो हम ब्रांचिंग किए कार्बन को वो फर्दर दो अपने आपको दो अलग डायरेक्शन में भेज रहा है, यानी यहाँ का जो ब्रांच आपको दिख रहा है ये ब्रांच उस ब्रांच से अलग ब्रांच है।
ठीक है, तो आप देखोगे टोटल पॉसिबिलिटी में, तो ये आपको दिखेगा कि 6 कार्बन में एक, 5 कार्बन का रिंग में एक, 4 कार्बन में चार और 3 कार्बन में आपको दिखेगा, तो 1 2 3 4 5 6, तो 6 + 4 कितना होगा 10 और +2 12, तो इसमें टोटल आपका 12 पॉसिबिलिटी होगा। टोटल पॉसिबिलिटी कितना होगा 12 होगा, तो आंसर कितना हो चुका होता, आंसर होगा 12। तो टोटल 12 पॉसिबल साइक्लिक एल्केन्स होगा C6H12 के लिए, ठीक है। तो बच्चों लोग नेक्स्ट हम लोग लास्ट क्वेश्चन ट्राई करने वाले हैं, ड्रॉ ऑल पॉसिबल स्ट्रक्चरल आइसोमर ऑफ C6H12। तो इस फॉर्मूला के लिए कितना आइसोमर टोटल पॉसिबल है वो आपको बताना है, ठीक है। तो चलो फटाफट इसका आंसर बताएंगे आपको। मैं हिंट दे रहा हूँ, हिंट मैं क्या दे रहा हूँ कि हिंट आपके लिए रहेगा, हिंट ये रहेगा कि जो C6H12 है ना, इससे आप अल्किन भी बना सकते हो और इससे आप साइक्लो अल्किन बना सकते हो। तो सिंपली आपको करना क्या है कि आपको ये बताना है कि इसमें से अल्किन का नंबर अगर x बनेगा तो उसको x ले लेना है, और साइक्लिक का नंबर y है तो y ले लेंगे। तो आपका जो आंसर होगा हो जाएगा x प्लस वाई, यानी मैं आपसे x प्लस वाई पूछ रहा हूँ, यानी आपको सिंपली बताना है कि C6H12 में कितना अल्किन बनेगा और कितना साइक्लिक अल्किन बनेगा, दोनों को जोड़ देना है, वही आपका आंसर होगा, ठीक है। तो आपके प्रोसेस को मैं स्मूथ कर चुका हूँ, आपको अल्किन कितना होता निकालने ऑलरेडी आ चुका है, इवन आप लोग साइक्लिक अल्किन निकालना सीख चुके हो, बस अब बताओगे आंसर कितना होगा, ठीक। बच्चों ध्यान देना, हम लोग इस C6H12 के लिए साइक्लिक अल्किन का नंबर कितना हो निकाल चुके हैं, कितना होता है 12 होता है, और लास्ट क्लास में हम लोग सीख चुके हैं, प्रीवियस क्लास में सीख चुके थे कि C6H12 में कितना अल्किन पॉसिबल है जी, तो अल्किन का नंबर होता है 13, यानी एक्स का वैल्यू 13 होगा, वाई का वैल्यू 12 होगा, तो टोटल कितना होगा, तो 13 + 12 कितना होगा जी 25, यानी इसका आंसर होगा 25, ठीक है। बच्चों हम लोग साइक्लोल्केन्स का स्ट्रक्चर है, उसका आइसोमर्स कैसे ड्रॉ करना हम लोगों को पता चल चुका है, ठीक है। तो आज क्लास हम लोग यहीं पे एंड करते हैं।